नमस्ते जी, कैसे हो सब आप? मैं सुखविंदर राजपूत बात कर रहा हूँ, राजपूत जॉन से। आपके लिए लेकर आया हूँ 200 गज का ये 5 BHK हाउस। लोकेशन हमारी रहेगी एयरपोर्ट रोड मोहाली की, ग्रेटर मोहाली की लोकेशन रहेगी। बहुत अच्छा बना हुआ है, फ्रंट एलिवेशन आपके सामने है, फंडरमैक्स का काम, लाइटिंग का काम, सारी जैगुआर और हेवल्स की लाइटिंग रहेगी। फ्रंट एलिवेशन पे 3 टाइप्स की टाइलिंग का काम हुआ हुआ है, बिल्कुल रेडी टू मूव में है। 15 डेज़ आपको इसकी पोजेशन मिल जाएगी। अभी हमारा ये हाउस रेडी हुआ है, 5 BHK रहेगा जैसे मैंने आपको बताया। मैं आपको इस हाउस का टूर यहाँ से लेकर टॉप फ्लोर के रूफ तक का टूर कराऊंगा। आपको 5-6 बेडरूम्स, ड्राइंग रूम, मॉलर, किचन, जो जो अंदर बना हुआ है हर चीज़ मैं आपको विज़िट कराऊंगा। आपको ऐसे लगेगा कि आप खुद से विज़िट कर रहे हो आके, बिल्कुल लाइव वीडियो रहेगी। एक बार चलते हैं विला के अंदर, बस आप अच्छे से वीडियो देखो, एंजॉय करो। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपका स्पेशियस कार पार्किंग एरिया जाएगा, यहाँ पे आप XUV खड़ी कर सकते हो। अगर आपने 2 गाड़ियाँ भी लगानी है तो फ्रंट हमारा इतना रहेगा कि आप 2 गाड़ियाँ भी आराम से पार्क कर सकते हो यहाँ पे। अब एक बार अंदर चलते हैं। अंदर चलने से पहले जो हमारे पिल्लर रहेंगे, इन पे सब पे हमने मार्बल और टाइलिंग का काम कर रखा है, और ये सारा ही हमारा टोटल स्टील का रहेगा जिस पे हमने ग्रे डिक्को का काम किया हुआ है। और यहाँ पे इस एरिए की बात करूँ तो यहाँ पे आप अल्टो, स्विफ्ट वगैरह आराम से खड़ी कर सकते हो गाड़ी। यहाँ पे भी आपकी एक XUV कार, आपकी i20 वगैरह आराम से यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, वरना वगैरह XUV सेडान कार आप आराम से खड़ी कर सकते हो। अब चलते हैं अंदर एक बार। ये हमारा टोटली डोर सारा हमारा रेलिंग का रहेगा, वो हमारा फिक्स है, उधर ग्रिल रहेगी, फिक्स रहेगी। ये हमारा टोटली रेलिंग डोर रहेगा, और छोटा ये डोर जो आने जाने के लिए हमने रखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये टाइलिंग की बात कर ले तो यहाँ पे हमने मार्बल टाइप ब्लैक टाइल लगा रखी है, टेक्चर वाली। यहाँ पे हमने जैसे मैंने आपको बताया था, ये वेंटिलेशन मॉलर किचन की रहेगी, UPVC की विंडोज़ और टफन, हार्ड टफन हमने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो टाइल देख रहे हो, ये 2x4 की वॉल टाइल हमने लगा रखी है, 2 शेड में लगा रखी है, ब्राउन एंड क्रीमी में। यहाँ पे भी आपको बड़ी सारी एक विंडो वेंटिलेशन मिल जाएगी। ऊपर लाइटिंग का काम है, टॉप फ्लोर के छज्जे जितनी आपको लाइटिंग नज़र आ रही होगी। अब एक बार अंदर चलते हैं विजिट करने के लिए। यहाँ से एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बाहर जो हमारा रोड लेवल है उससे ये 2 फिट हमने ऊंचा उठा रखा है। यहाँ पे भी हमारे आराम से 1.5-2 फिट अंदर जाने के लिए हमने स्टेप ऊपर उठा रखे हैं। और यहाँ पे MP Teak का वर्क आ जाएगा, ये आप डोर देख ही रहे हो, ये टोटल डोर हमारे MP Teak के रहेंगे। यहाँ से लेके जितने भी डोर विंडो चुगाठे हैं सारी MP Teak के रहेंगे, सब पे पॉलिश वर्क रहेगा। यहाँ पे डोर हमारे टोटली वुडन में MP Teak के रहेंगे। बीच में जो हमारी चुगाठे हैं वो हमारी टोटल यहाँ पे 10 इंची रहेंगी, एक तो 5 इंची होती हैं, ये 10 इंची आपकी रहेंगी, सब पे पॉलिश रहेगी। और यहाँ पे भी कोई फ्लैश डोर नहीं है, सारे हमारे अच्छी क्वालिटी के ये डोर हमने यूज़ कर रखे हैं। आपको ये गोदरेज का फिंगरप्रिंट लॉक मिल जाएगा, और ये स्पेशियस एरिया रहेगा, 8 फिट का हमारा डोर रहेगा, ये एरिया बहुत स्पेशियस रहेगा, बहुत बढ़िया। ऊपर सीलिंग का वर्क है, वुडन है, बीच में हेवल्स की वेडिंग लगा रखी है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये है हमारा स्पेशियस ड्राइंग रूम जो बहुत अच्छे साइज का रहेगा। इसमें हमने फॉल सीलिंग का काम बहुत बढ़िया कर रखा है, ऊपर आप देख सकते हो फॉल सीलिंग का वर्क बहुत अच्छे डिजाइनिंग का, वुडन का, हर चीज़ का काम हमने कर रखा है। फॉल सीलिंग लेटेस्ट जो डिज़ाइनिंग होती है उसका सारा काम कर रखा है। यहाँ पे भी वुडन का वर्क रहेगा प्रॉपरली, प्रोफाइल लाइट का काम कर रखा है जिससे शेड आ रहा है जो चौरस में पूरा। यहाँ पे सामने हमने मैट ग्रिलिंग का काम कर रखा है, जो HR शीट्स होती हैं, मैट ग्रिलिंग होती है, उसका काम कर रखा है। बीच में हमने हार्ड टफन डाला हुआ है, इसमें भी आपको बहुत सॉलिड एक हार्ड टफन मिल जाएगा जो ब्रेक नहीं होता, बहुत मजबूत होता है, जो इन्हीं में UPVC की विंडोज़ में ही लगता है। यहाँ पे आपको जो स्विचेस मिल जाएंगे ये सारे आपको हेवल्स के ब्लैक शेड मैट में स्विचेस मिल जाएंगे, और अच्छे जो मैंने स्टार्टिंग में ही बात की है आपको कि जैसा बाहर से बहुत बढ़िया फ्रंट एलिवेशन है, हर चीज़ के डिज़ाइनिंग
कमरों के साइजेस हर चीज़ बहुत बढ़िया लगेगी आपको। ये था हमारा प्रॉपर ड्राइंग रूम। बीच में ये हमने ग्लासेस का काम कर रखा है, जिससे आप यहाँ पे कर्टन्स लगाओगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ये जो आजकल जो आर्किटेक्ट जो अभी लेटेस्ट जो इंटीरियल लेटेस्ट लेआउट ये सब चीज़ें सारी लेटेस्ट चली हैं, इसमें कोई भी ओल्ड फैशन नहीं है। ये विला ये अभी रेडी हुआ है, और अगर ये हमारे एमडी सर का ना होता, कोई और इसको बनाता। बहुत सारे बिल्डर हैं, मैं ऐसा किसी को अच्छा बुरा नहीं बोलता, सारे बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई काम की क्वालिटी किसी की आप होती है, अपने लोकेशन के हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है कि हाँ यार मेरे एरिए में, मैं खरड़ में बैठा हूँ, एयरपोर्ट रोड मोहाली में बैठा हूँ, कि कैसा यहाँ पे कस्टमर है, क्या है। अगर ये किसी और का होता तो इसका प्राइस होता आराम से 3 करोड़ 40 लाख रुपए, आराम से। पर हमारे एमडी सर ने बहुत अच्छा काम कराने के बावजूद एक लोकेशन पे, एयरपोर्ट रोड मोहाली वी आर पंजाब मॉल के पास ही हमारा ऑन रोड हाउस है, लोकेशन पे बैठे हैं, और ये हाउस उन्होंने दिया है आपको 2 करोड़ 80 लाख रुपए का। इसमें भी थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट हो जाएगा। ये एरिया हमारा डाइनिंग का रहेगा, प्रॉपर डाइनिंग एरिया रहेगा ये, और बहुत स्पेशियस रहेगा। पीछे वॉलपेपर वर्क आ जाएगा टोटली, और नीचे ये वुडन की यहाँ पे सारी स्टेयर आ जाएंगी, टोटली वुडन की स्टेयर है, जिसमें यहाँ पे हमने क्रीमी मार्बल का काम कर रखा है। ये बहुत बढ़िया एरिया है, और इसको हमने बनाया बहुत अच्छे ढंग से है। ये देखो हमने यहाँ पे 10 फिट का झूमर लगा रखा है, और बीच में ये स्पेस हमने जो आजकल जैसे मैंने बताया था कि लेटेस्ट लेआउट और डिज़ाइनिंग का इंटीरियर का जो काम है वो पूरा हमने दर्शा रखा है। ऊपर सीलिंग में भी वुडन का काम है। यहाँ पे भी आपको एमपी टीक की रेलिंग मिल जाएगी, बीच में ये आपको हार्ड टफन मिल जाएगा, यहाँ से एमपी टीक की रेलिंग का स्टार्ट हो जाता है काम। ये पूरा आपको बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है इसमें, इसकी लुक आपको देख ही रहे होंगे। ये एरिया भी यहाँ पे स्पेशियस है, और आपको एक चीज़ देख रहे होगे अभी आप, जो मेरा कैमरा नीचे है वो इसलिए नीचे है, ये हमारी ग्लॉसी टाइल है, मार्बल टाइप टाइल है। जो इसका साइज़ रहेगा वो 4.5 बाय 7 फिट का इसका साइज़ रहेगा, जो फ्लोर टाइल रहेगी कजारिया की रहेगी प्रॉपर। और फॉल सीलिंग का काम देखो यहाँ पे आप, इस डाइनिंग के एरिया में बहुत बढ़िया फॉल सीलिंग का काम है। बीच में प्रोफाइल लाइट है, वुडन का काम है, लाइटिंग सारी हमारी जैसे आपको बताया था हैवल्स की रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, अभी मैं इसका टूर एक बार करा दूँ, फिर हम चलते हैं 5-6 बेडरूम्स में। जो ऊपर का जो स्पेशियस लॉबी एरिया रहेगा वो सारा आपको विजिट कराता हूँ। यहाँ पे आपको 3 ओवन मिल जाएंगे, जो लेटेस्ट आजकल जो किचन के साथ जो पैकेज में मिलते हैं, और यहाँ पे आपको एल शेप में प्रॉपरली आपको सीआर शीट मिल जाएंगी, जो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी हैं, और ये कॉस्टली भी बहुत होती हैं। जो ये इतने प्राइस के विलाज होते हैं, इन इनमें ही लगाया होता है ये सारा सामान। क्वालिटी मिलेगी इस हाउस में, आपको क्वालिटी मिलेगी। और हमारे एमडी सर के टोटल टोटल हमारे एमडी सर के जो रहेंगे हाउसेस वो रहेंगे 5 200 गज के, 3 रहेंगे 250 गज का, 260 गज का। हम बनाते ही हम काम करते ही 200 गज पे है, लोग बनाते हैं 3.5 340 ऐसे करके अपने गज के हिसाब से प्राइजेस, पर यहाँ पे बहुत जेन्युइन प्राइजेस हैं। उनमें भी जो हम आपको बताते हैं उनमें भी डिस्काउंट हो जाता है। कोलर की यहाँ पे टैप्स लगेंगी, यहाँ पे बहुत अच्छा मार्बल आ जाएगा, जो हमने ये ग्रेनाइट कहीं पे भी नहीं लगाया हुआ। जो फ्रंट आगे का गेट के बाहर का पिल्लर है ना, उस पे भी ग्रेनाइट नहीं है, ये सारा मार्बल टच जो हमारा रहेगा, ये मार्बल रहेगा। और ये आप देख रहे हो चुन्ना चिमनी आपको बीच पे मिल जाएगी, नीचे आपको ये काम मिल जाएगा सारा वुडन का। ये सारी गोदरेज की हमारी फिटिंग रहेगी, हाइड्रोलिक रहेगा सारा ये टोटली। ये स्पेस बहुत बढ़िया रहेगी आपको देखने के लिए। यहाँ पे भी हमने एक वॉश बेसिन लगा रखा है, और यहाँ पे भी वॉश बेसिन लगा रखा है, 2 वॉश बेसिन मिल जाएंगे। इसमें ग्लासेस टफन ब्लैक के कबर्ड्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी टाइलिंग का काम रहेगा। ये वेंटिलेशन है, यहाँ पे छोटी वेंटिलेशन है, ये बड़ी एक विंडो रहेगी आपके लिए। अब चलते हैं दोनों बेडरूम्स में, बेडरूम का देखना आप साइज़ 5-6 का,
सर्वेंट रूम भी ऐसा बना रखा है कि आप अपने रिलेटिव को यहाँ पे रखवा सकते हो, खुद भी आपके घर का कोई भी बंदा रख सकता है। यहाँ पे 8 फिट की यहाँ पे चुगाट आ जाएगी। सबसे पहले दोबारा मैं एक बार बात कर लेता हूँ, इसी तरफ मेरा कैमरा घूम जाता है, अब मैं बेडरूम का फ्रंट दिखाने लगा था, पर सबसे पहले ये देखो, दिख रही है आपको क्वालिटी? ये बीच में प्लाई नहीं है, ये हमने जो हमारी लकड़ी है उसको हमने प्लेन करके लगाया है यहाँ पे। यहाँ आपको MPT का वर्क मिल जाएगा, पॉलिश यहाँ पे सारी ग्लॉसी रहेगी जो चमकदार होती है। ये देखो बेडरूम के साइजेस बहुत बढ़िया भाई, फॉल सीलिंग, बीच में हमने टीक का वर्क किया है, लाइटिंग का काम किया है। सामने आपको मिल जाएगा इसका वॉलपेपर, सारी वॉल पे लगा रखा है। यहाँ पे कोई ऐसे चमकीले और कलर्ड वॉलपेपर नहीं हमने लगा रखे जो ऐसे एकदम से वो होटल वगैरह में, ये पैलेसों वगैरह में बड़े बड़े रिसॉर्ट्स होते हैं उनमें चलते हैं, होटल्स के बेडरूम में चल जाते हैं। यहाँ पे हमने सोबर एक हमने रॉयल का एशियन पेंट यूज़ किया है, जो रहेगा क्रीमी रहेगा इसका कलर, और वैसे ही हमने उस हिसाब से ही हमने आर्किटेक्ट ने जो हमारे को डिज़ाइन दिए थे वॉल्स पेपर के वो ही रहेंगे। इनकी 5 ईयर वारंटी रहेगी वॉल्स पेपर की, ये सारे कंपनी मेडेड है। यहाँ पे आपको ग्लॉसी टाइल दिखेगी जो आप देख रहे हो अभी, जो मैंने बात की थी। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे वार्डरोब्स, फॉल सीलिंग आप देख ही सकते हो। सबसे पहले वार्डरोब्स की बात कर, वार्डरोब से पहले कर लेते हैं, LED पैनल बहुत बड़े साइज़ का मिल जाएगा। इतना अच्छा हमने साइज़ बना रखा है कि यहाँ पे आप हर साइज़ की LED लगा सकते हो जो देखने में भी बढ़िया लगेगी। उसके बाद ये वार्डरोब्स आपको ग्लास ग्लास वाले वार्डरोब्स आ जाते हैं। बीच में ये मैट गोल्डन बीडिंग आ जाएगी जो बीच में ये दे रखे हैं, इसके अंदर भी सरमाइका वर्क रहेगा प्रॉपरली। यहाँ पे ड्रेसिंग आ जाता है, बहुत बड़ा हमने ग्लास दिया हुआ है प्रोफाइल लाइट के साथ। यहाँ पे सारे वार्डरोब्स आपको इसी लुक में मिलेंगे। यहाँ से साइज़ देखो कितना बढ़िया है, वहाँ तक आगे तक बहुत बढ़िया साइज़ के बेडरूम है भाई, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, पूरी तसल्ली से काम होता है सारे इंडिपेंडेंट हाउस का। अभी पूरे रेट मूव में हो चुके हैं, आपकी क्वारी है। इसके साथ साथ आपको 4 और भी दिखाऊंगा मैं, इसी प्राइस के रहेंगे, 280 290 मटेरियल लोकेशन के हिसाब से। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 2x4 की वॉल टाइल मिल जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद ये स्पेशियस हमारा एरिया मिल जाएगा, वेंटिलेशन दोनों वॉशरूमों की और दोनों बेडरूम्स की विंडोज़ की। इसमें 3 ग्लासेज हैं इस वाले में, जो ये हमारा UPVC का काम किया गया है, एक जाली का, दो हमारे ग्लास के मिल जाएंगे यहाँ पे भी। सीलिंग का काम है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2x4 की वॉल टाइल, सॉरी 4x7 की फ्लोर टाइल, वॉल टाइल। बीच में कोलर की यहाँ पे बाथ फिटिंग मिल जाएगी, कोलर की वॉल हैंगिंग सीट। यहाँ पे आपको टैब्स मिल जाएंगी, वेंटिलेशन मिल जाएगी, बड़ी वाली छोटी वाली ऊपर है, और ये आ जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड बेडरूम में, देख ही लिया आपने अच्छे से, सेकेंड बेडरूम का टूर दिखाता हूँ आपको, करवाता हूँ। यहाँ पे ये बेडरूम के साइजेस सेम रहेंगे। इन बेडरूम के साइजेस के बारे में भी मैं बता देता हूँ, ये इनका साइज रहेगा 17x14 के बेडरूम रहेंगे ये हमारे, 17x14 के, ये 17 साइजेस है, ये 14.5 साइजेस है। सबसे पहले अंदर चलते हैं, टाइल देखो आप वॉशरूम की कितनी अच्छी लग रही है, डार्क कॉम्बिनेशन में आई है वॉशरूम, पर बहुत बढ़िया टाइल है। कॉलर की सारी बात फिटिंग है, कॉलर का यहाँ पे आपको शंक मिल जाएगा, वॉल हैंगिंग सीट, ये वार्डरोब्स, LED पैनल, हर चीज़ बढ़िया। सीलिंग के डिज़ाइनिंग, यहाँ पे वॉलपेपर, स्पेस बहुत बढ़िया। ये देखो आप कितना बढ़िया लग्जरी, जो आजकल माइके चले हैं, आजकल जो क्वालिटी चली है, आजकल जैसा काम किया जा रहा है वैसे ही इस कोठी में आपको काम देखने को मिलेगा। ड्रेसिंग में भी हमने प्रोफाइल लाइट लगा रखी है, अगर आप इसके सामने खड़े हो तो आपके फेस पे आप पे पूरी लाइटिंग रहे, आपको सीलिंग की लाइटिंग ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बीच में भी प्रोफाइल लाइट रहेगी। यहाँ से भी हमारी बालकनी के जाने का रास्ता है दोनों तरफ से, और यहाँ पे कर्टन्स के लिए हमने बहुत बढ़िया एरिए को यहाँ पे करा है, ऊपर फॉल सीलिंग के डिज़ाइन देख सकते हो। अभी चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर का टूर देखो आप।
फॉल सीलिंग दोबारा से दिखा रहा हूँ, झूमर। और यहाँ पे स्टेयर एरिया बहुत स्पेशियस है, जैसे मर्जी का साइज का सामान आप लगा सकते हो। यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी एक स्पेशियस ड्राइंग रूम मिल जाएगा, फॉल सीलिंग देख सकते हो आप। यहाँ पे हमने ग्लासेस का, गोल्डन ग्लासेस का बीच पे वुडन का काम किया है और गोल्डन शीट्स का काम किया पूरी वॉल पे। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग रूम एरिया है। यहाँ पे आप 15 सीटर, 17 सीटर, 12 सीटर, 10 सीटर सोफा आराम से रख सकते हो। ये फॉल सीलिंग के डिज़ाइन है, यहाँ पे आपको फॉल सीलिंग के डिज़ाइन मिल जाएंगे। और ये हमारे झूमर की लुक आ जाएगी। सबसे पहले चलते हैं इस जगह, ये है टॉप फ्लोर पे सर्वेंट रूम जो हमने बनाया है। आप अपना रिलेटिव, आपके दोस्त आ जाएं, किसी के ठहरने के लिए ऊपर 1 BHK सेट है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले ये फर्स्ट फ्लोर की मॉड्यूलर किचन रहेगी, ये सामने वेंटिलेशन रहेगी मॉड्यूलर किचन के बिल्कुल सामने। और ये हमारा एरिया रहेगा ड्राइंग रूम का, सामने हमारा पूजा रूम आ जाएगा और जो बहुत स्पेशियस रहेगा, बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत बढ़िया साइज़ का बना हुआ है। यहाँ पे इसके लिए हमने छोटी वेंटिलेशन, बड़ी वेंटिलेशन मिल जाएगी। बालकनी में बाद में चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको बेडरूम का टूर कराता हूँ। और इस बेडरूम के वॉर्डरोब्स देखना आप कितने बढ़िया हैं, अभी आपके सामने ही आ जाएंगे। पहले मैं एक बार साइज़ अच्छे से दिखा दूँ। वॉल्स पे हमने यहाँ पे कर रखा है वॉलपेपर का काम, और आप मानोगे नहीं, 16 टोटल 16 स्प्लिट एसी की प्रोविजनें रहेंगी। टोटल 16 हर जगह दे रखी है हमने, कि कहीं पे भी ये महसूस ना हो कि गर्मी लग रही है और इस एरिया में भी एसी चाहिए था। एलईडी पैनल यहाँ पे फंडर मैक्स का काम है, उसके बाद वुडन का काम है, उस पर माइका शीट है। नीचे आपको ये बॉक्सेस मिल जाएंगे अच्छे साइज के। और अब कर लेते हैं वार्डरोब्स। इस बेडरूम के कबर्ड्स की बात, जो बहुत बड़ी यहाँ से रो स्टार्ट हो जाती है, बहुत बड़ी रो में बने हुए हैं। और यहाँ पे आपको माइका इसका बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। बीच में हमने यहाँ पे ग्लासेस वाले वार्डरोब्स बना रखे हैं, बीच में माइके का काम है, अंदर भी यहाँ पे टोटली, यहाँ पे फंडर मैक्स का नहीं, यहाँ पे आपको वुडन का काम मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ग्लासेस मिल जाएंगे, जगह जगह हमने दे रखे हैं। अगर रिलेटिव ज़्यादा आ गए, कोई घर पे फंक्शन है, तो तीन यहाँ पे 3 बंदे आराम से खड़े होके अपने आप को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे एक ड्रेसिंग नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 4 फोर ग्लासेस जो हमने ड्रेसिंग में लगते हैं वो यहाँ पे लगा रखे हैं। ऊपर प्रोफाइल लाइट एंड सुडान टीक का वर्क है, जिसपे हमने प्रॉपर पॉलिश वर्क किया हुआ है। और ये एरिया भी देख सकते हो आप, बहुत स्पेशियस है। वार्डरोब्स का एरिया, वार्डरोब्स हर चीज हमारी बहुत बढ़िया रहेगी। बॉक्सेस के अंदर भी लाइटिंग रहेगी सारी, टोटल लाइटिंग तो भाई प्रोफाइल लाइट तो हर जगह हमने लगा रखी है इस विला के अंदर। यहाँ पे भी आपको ऊपर का प्रोफाइल लाइट का एरिया बहुत बढ़िया लगेगा। पीछे जाने के लिए एरिया है बालकनी में, बहुत स्पेशियस एरिया रहेगा। और पीछे घर बना हुआ है, बैक टू बैक बालकनी है, बहुत स्पेस है, कोई वेंटिलेशन की दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 बाय 7.5 की फ्लोर टाइल लगी हुई है, ब्लैक उस पे लगी हुई है जो लुक में। और यहाँ पे आपकी आ जाएगी वॉल हैंगिंग सीट, शेंक आ जाएगा, टैप्स आ जाएंगी। अब चलते हैं फोर्थ बेडरूम में, उसके बाद मैं आपको फ्रंट की लॉबी भी दिखाता हूँ, बहुत स्पेशियस है। ये हमारा फोर्थ बेडरूम रहेगा जो बहुत स्पेशियस रहेगा। फॉल सीलिंग का वर्क किया गया है, यहाँ पे लाइटिंग डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पे स्पेस बहुत अच्छी है इस बेडरूम की। यहाँ पे आपका बहुत बढ़िया एक ड्रेसिंग आ जाएगा जो बहुत स्पेशियस है। और यहाँ पे आपकी स्प्लिट एसी की प्रोविजन है, ये आपका सारा जितनी भी हमारी बैक वॉल्स है ना, बेड की बैक वॉल है, यहाँ पे जैसे बेड आएगा तो इसकी बैक वॉल रहेगी। सब पे हमने अलग अलग उसका डिजाइन का और कलर का हमने वॉलपेपर लगा रखे हैं। सामने आपको एलईडी पैनल मिल जाएगा, जिसके ऊपर हमने माइके का, सोडान टीक का वर्क है, पॉलिश का काम है। यहाँ पे आपको वार्डरोब्स मिल जाएंगे, इस जगह आपको 2x4 की वॉल टाइल मिल जाएगी, बहुत बढ़िया। पहले ऊपर का 1 BHK सेट दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे स्टील की रेलिंग है, बीच में टफन डला हुआ है, यहाँ पे वेंटिलेशन आपके लिए अंधेरा ना हो, कोई दिक्कत ना आए वेंटिलेशन की।
यहाँ पे भी आप एक छोफा सोफा सेट रख सकते हो। यह आपका वॉशरूम आ गया और ये आपका बेडरूम आ गया। इसके लिए भी हमने आगे दी हुई है बाहर बालकनी में अगर जाने के लिए विंडो दे रखी है हमने। यूपीवीसी का टोटली यहाँ पे काम रहेगा। ये डिज़ाइनिंग का काम है जो शीशे में से आपको नज़र आ रहा है। मॉड्यूलर किचन की वेंटिलेशन है, यहाँ पे छोटी वेंटिलेशन है। यहाँ पे आपको फंडरमैक्स का काम मिल जाएगा, लाइटिंग का, फंडरमैक्स का, हर चीज का। स्पेस बहुत बढ़िया है। यहाँ पे सारे हाउसेस, बड़े हाउसेस बने हुए हैं। ये भी हमारे पास ही प्लॉट पड़ा, पर इस प्लॉट को अभी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, कम से कम भी 10 साल। यहाँ पे हमने, हमारे एमडी सर ने कुछ टेनिस खेलने के लिए कुछ प्लान कर रहे थे, पर यहाँ पे भी हाउस बनेगा। अब कम से कम अभी कंस्ट्रक्शन को बहुत टाइम लग जाएगा। बाकी सारा डेवलप एरिया, ये 350 गज का प्लॉट है, ये सारी लैंड 350 गज की है, ये सामने सारा डेवलप रहेगा। और ये एरिया बहुत स्पेशियस रहेगा, आपने देख ही लिया अच्छे से, मैंने हर चीज़ आपको विजिट कराई है। सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई, जमा पूंजी लगानी है, अच्छे से विजिट करो, आपको एक बढ़िया चीज़ मिले, अपनी पूरी तसल्ली करो। आपने इतने पैसे लगाने हैं, 4, 5, 6, 10 जगह आप विजिट करो जो आपको अच्छी लगती है, और आपको खुद ही उसके साथ, आप खुद ही चूज कर पाओगे। अगर आप बेस्ट कोई चीज़ हुई ना जो आपके सामने एकदम आ जाती है, अगर आप 3, 4 चीज़ें विजिट कर लेते हो जो बेस्ट ऑप्शन है, उसने खुद ही निकल के आपके सामने आ जाना कि नहीं यार ये बढ़िया है। रिलेटिव के साथ मत आओ, दोस्तों के साथ मत आओ, पैसों के चक्कर में 1, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए के चक्कर में आप बढ़िया चीज भी हाथ में से आपके निकल जाती है। अपनी फैमिली के साथ आओ, कैसा आपका बिजनेस है, कैसा आपका बजट है, कौन सी लोकेशन पे आप लेना चाहते हो, उस लोकेशन को सर्च करो, चूज करो, उसके बाद आप अच्छे से विजिट करो, खुद ही आपकी सारी चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी सर्च खत्म हो जाएगी। ये हमारा था 5 BHK 200 गज का एक लग्जरी हाउस, एक लग्जरी इंटीरियर के साथ, हर चीज़ के, जिसके डिज़ाइनिंग मैंने आपको, हर चीज़ का काम मैंने आपको, हमारे एमडी सर ने बढ़िया कर रखा है। तो एक बार विजिट करना, ज़रूर आना, आपको बढ़िया लगेगा। एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी रहेगी इस हाउस में। मैं दोबारा बता देता हूँ, 5 आपको बेडरूम मिल जाएंगे, आपको 6 वॉशरूम मिल जाएंगे, 2 ड्राइंग रूम मिल जाएंगे, आपको 3 मॉड्यूलर किचन मिल जाएंगी, आपको स्टोर मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको एक पूजा रूम मिल जाएगा। बालकनी की तो बातें ना करें, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह हमने हर कोने में दे रखी है, एक बार विजिट करो जी।